इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। माना जाता है कि बनारस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। सदियों से बनारस शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है, साथ ही ये मृत्यु और मोक्ष का शहर भी रहा है। शहर के लिए और इसके इतिहास के लिए खास है गंगा नदी, जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। हजारों वर्षों से श्रद्धालु यहाँ शांति और मोक्ष की तलाश में आते रहे हैं। इसने कई यात्रियों, तीर्थ यात्रियों और व्यापारियों को राह दिखाई है। मौजूदा वाराणसी में आबादी के प्रमाण 800 वर्ष ईसा पूर्व के भी मिलते हैं, पर इसके इतिहास की कई परतें हैं। यही वजह है कि ये शहर दुनिया के सबसे पुराने जीवंत शहरों में गिना जाता है। बनारस की कहानी को जानने और समझने के लिए हमने बनारस कल्चरल फाउंडेशन के संस्थापक और निदेशक नवनीत रमन से बात की। बनारस एक ऐसा शहर है जिसका अस्तित्व एक इत्मीनान पे बैठा हुआ है। ये इत्मीनान ऐसा है कि यहाँ पे रहने से ही केवल मोक्ष मिल जाता है। बाकी मोक्ष मिलने के लिए हमें बहुत सारे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, पर यहाँ पे एक ही कर्म करना पड़ता है कि बनारस में वास करना। तो ये बनारस का अस्तित्व है और इस अस्तित्व से एक इत्मीनान हो जाता है, यहाँ के लोगों में एक इत्मीनान हो जाता है। पर ये इत्मीनान शुरू कहाँ से हुआ? गंगा, गंगोत्री से लेके और बे ऑफ बंगाल कलकत्ता होते हुए वहाँ पर जाकर के मिलती है और अपने कोर्स के दौरान कई बार मियांडर करती है। ये नेचुरल एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, भूगोल का एक फिनोमिना है कि कोई भी नदी बहेगी तो ऊपर नीचे करेगी। पर जब ये नदी बनारस में आई और ये कर्व करी, जिसे यहाँ बनारस में उत्तर वाहिनी गंगा कहते हैं, कि वापस उत्तर की तरफ गई, उत्तर से निकली और वापस उत्तर की तरफ गई, तो इस ज्योग्राफिकल या भूगोल के इस दृश्य को आत्मचिंतन से आज से मेरे ख्याल से 3,000-4,000 साल, 5,000 साल पहले लोगों ने अध्ययन किया, एक आंतरिक यात्रा शुरू करी इस भूगोल के इस दृश्य को देख करके, और उन्होंने इस पर एक सुपर इम्पोजिशन ऑफ फिलॉसफी किया, एक फिलॉसफी, एक दर्शन का इसके ऊपर एक चादर ओढ़ाई। और वो जो चादर ओढ़ाई वो ये ओढ़ाई कि यहाँ पे नदी वापस अपने सोर्स की तरफ जा रही है, गंगा अपने सोर्स की तरफ जाती है और फिर निकल जाती है, तो ये डिनोट करता है कि यहाँ पे साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो जीवन की एक जो चक्र है वो यहाँ संपूर्ण होता है और यहाँ संपूर्ण होके फिर निकल जाता है। पर जब संपूर्ण होके निकलेगा तो वो मोक्ष दे करके आपको ऊपर हेवन में ले जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के जो है ये शहर बसा। तो जब लोग यहाँ आकर के रहने लगे तो उनके पास कुछ करने को था नहीं, क्योंकि जो चादर बिछाई गई थी उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ आके रहो, सुबह भजन करो, शाम को कीर्तन करो, अच्छे कर्म करो। उन्होंने कहा यहाँ रहो, आनंद उठाओ, ये आखिरी पड़ाव है और अगला पड़ाव स्वर्ग का है। तो जब उसको आनंद उठाने का बात आई अपने आखिरी पड़ाव की, तो जो आपके अंदर जो रुचियां हैं वो रुचियों को आपने उभारा। जैसे मेरे अंदर कोई जिज्ञासा है कि जीवन कैसे चलता है, तो अब हमारे पास समय है, तो उस समय में हमने जीवन कैसे चलता है इस पर अध्ययन शुरू कर दिया। तो एक दर्शन पे एक चिंतन मंथन, शहर में एक उसका वातावरण तैयार होता गया। तो इसी से वो एक ज्ञान की नगरी कहलाने लगी, काशी यानी कि सिटी ऑफ लाइट, वो उसका रूप इस तरह से आया।
क्योंकि यहाँ पे केवल आपको रहना था। और उस इत्मीनान से आत्मचिंतन शुरू हुआ, एक अंतर्गृही यात्रा शुरू हुई जो आपको अपने आप से पहचानने के लिए एक जो आपको कदम उठाना था उसका एक पहला पड़ाव यहाँ पे शुरू हुआ। और फिर एक सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि इतने सारे व्यक्ति लोग इसी यात्रा में लग गए तो ये एक पिलग्रिमेज हो गया, तो सब लोग इसी अंतर्गृह यात्रा में लग गए और उससे जो वातावरण तैयार हुआ वो आज के दिन में हम लोग बनारस के नाम से जानते हैं। बनारस या काशी कथा और आस्था में डूबा हुआ शहर है। इसकी उत्पत्ति को लेकर अनेक कहानियां हैं। इसका जातक कथाओं, पुराणों जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और महाभारत जैसे महाकवियों में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जातक कथाओं में तो बनारस को सिद्धाश्रम या मनीषियों और संतों का स्थान कहा गया है। बनारस के विकास के कई कारण रहे। बनारस वरुण नदी और अस्सी नदी के संगम पर स्थित है। ये दोनों नदियां गंगा में आकर मिलती हैं। इस तरह बनारस एक महत्वपूर्ण चौराहे की तरह था। इसकी शुरुआत एक व्यापारिक शहर, एक जनपद के रूप में हुई थी। ये शिक्षा और तीर्थ यात्रा का केंद्र बन गया। दिलचस्प बात यह है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला धर्मोपदेश देने सारनाथ आए थे। सारनाथ से महज 10 किलोमीटर दूर बनारस तब तक ज्ञान का एक प्रसिद्ध स्थान बन चुका था। यही एक वजह थी कि बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश के लिए सारनाथ को चुना था। 6वीं सदी ईसा पूर्व में काशी 16 महान महाजनपदों या राज्यों में से एक बन चुका था। तो जब ये एक वातावरण तैयार हुआ जिसे हम काशी के रूप में जानते हैं, इत्मीनान के रूप में जानते हैं, तो इस वातावरण के साथ, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर सनातन धर्म या हिंदू, जो आज के मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हिंदू धर्म कहेंगे, उस हिंदू धर्म को मानने वाले रहते थे, तो उनकी मान्यता के हिसाब से फिर इस वातावरण में कई सारी कहानियां जुड़ती गई। जैसे बनारस का एज अ जिक्र, सबसे पहला जिक्र महाभारत में हुआ, उसके पहले बनारस का जिक्र नहीं हुआ है। और एक ये इंटरेस्टिंग सोचने की बात है कि रामायण में राम जी बनारस से 110 किलोमीटर दूर प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में दर्शन किए और गंगा स्नान किए, पर बनारस इतना महत्व नहीं रखता था कि वो वहां से यहाँ आते। तो दिस इज ये एक तरीका है, हम लोग डेट कर सकते हैं इस शहर का महत्व कहाँ किस सदी में बढ़ा। रैशनली सोचने पर कि महाभारत के समय में इसका एक प्रचलन, इस शहर का एक प्रचलन आ गया, और उस प्रचलन में दो अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी ये मानती है कि ये विष्णु जी का स्थान था और हमारे भोले बाबा बाबा विश्वनाथ ने कहा कि हमारे पास धरती पे कोई जगह नहीं है, हम केवल कैलाश में हैं और धरती पे हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा कि हमारी सबसे प्रिय नगरी काशी हम तुम्हें देते हैं। तो उस तरह से ये, क्योंकि यहाँ पर शैवाइट और वैष्णवाइट, शैव ट्रेडिशन और वैष्णव ट्रेडिशन का समावेश है जो आगे चल के और उभरता है, जो इस समावेश है वो हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। पर एक ये शुरू से जो कहानियां बनी उसमें ये समावेश आ गया। फिर भूगोल के हिसाब से माना जाता है कि ये जो काशी नगरी है ये शिव जी के त्रिशूल पर जो है ये रखी हुई है, तो प्रलय आने पर भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो उससे क्या है, एक इत्मीनान और बढ़ गया कि प्रलय भी आ जाए तो हम शिव जी के त्रिशूल पर है, हमें कुछ नहीं होने वाला। तो वो उस इत्मीनान का जो एक्सपेंशन हुआ वो कल्चरली और फिलोसॉफिकली, मतलब धर्म और संस्कृति के रूप में कई फूल फुटाव फल हम लोग को दिया, जिससे एक काशी नगरी या बनारस जो उसका दूसरा नाम है उसका एक महत्व बढ़ता गया। तो अगर हम ऐसे देखें
उसके बाद जो अगला बड़ा जिक्र आता है इस शहर का वो बुद्ध भगवान के यात्रा में आता है, क्योंकि उन्होंने एनलाइटनमेंट, उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, और उसके बाद वो बनारस आकर के बनारस में उन्होंने जो है सारनाथ में बौद्ध धर्म की शुरुआत की, क्योंकि एक बुद्ध थे, जब उन्होंने अपने ज्ञान को बांटा तो बौद्ध धर्म शुरू हो गया, तो उसकी उसकी नींव यहाँ पर लगी। अब उसके साथ बुद्ध भगवान कोई जंगल में जाके तो शिष्य ढूंढेंगे नहीं, वो एक फर्टाइल ग्राउंड, एक उपजाऊ जमीन जहाँ पे की चर्चा होती है अध्यात्म दर्शन की, वहां जाके शिष्य ढूंढेंगे। और हमारे पास आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी है राजघाट के पास में, जो करीब करीब 600 BC का आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है कि यहाँ पर एक शहर हुआ करता था। तो बुद्ध भगवान वहां आए, वहां पर उनके पुराने मित्र लोग थे, उनसे वो भी उसी शहर में रह रहे थे। तो एक वो हमारे ये टाइमलाइन में हमें ये जो है एक स्तंभ मिलते हैं कि ये स्तंभ प्रूफ करते हैं, जैसे कि महाभारत प्रूफ करता है कि शहर हुआ करता था, तो बुद्ध भगवान के आने से ये एक सबूत हो गया कि शहर था। देखिए बनारस शहर जो है गंगा पे बसा हुआ, गंगा के एक तट पे बसा हुआ। आमतौर पे नदियों का प्रयोग सामान ले जाने लाने और वाणिज्य के लिए किया गया है, ये हमारे जो है हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। और बनारस का जो ये शहर है गंगा पे, इसका कोई साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि इसके दो साइड में दो छोटी नदियां आके मिलती, एक तरफ वरुणा आके मिलती है, दूसरे तरफ अस्सी आके मिलती है। जब गंगा शहर में घुसती है तो पहला संगम 80 के साथ होता है, तो वहां से हमारा संगम को एक विशेष स्थान दिया गया है, कमिंग टुगेदर, दो विचारधाराओं का समावेश, उससे एक तीसरी विचारधारा निकलती है, तो उसको हमेशा एक बड़ा स्थान दिया गया। तो 80 से बनारस को बनारस माना जाता है, और आगे जाकर के वरुणा, जब बनारस खत्म होता है तो वहां वरुणा आकर के गंगा में मिलती है, और वहां पे एक आदि केशव का मंदिर है, और उस संगम को बनारस का अंत माना जाता है। तो ये 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और ऐसे करीब करीब रफली 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है अंदर शहर की तरफ, जिसको एक सेक्रेट जोन माना गया है, जहां पे कि गंगा का प्रभाव, ये कोई साइंटिफिक तो था नहीं उस जमाने में, अगर आप ऐसे देखें तो स्कंद पुराण जो 11th सेंचुरी का टेक्स्ट है उसके तहत ये सेक्रेट जोन डिफाइन हुआ, और काशीखंड उसमें जो है उसमें डिफाइन हुआ, वो बुद्ध के जमाने में, बुद्ध के समय में, समय काल में एक ऐसा माना जाता था कि महाजनपद या बड़े शहर हैं, और उनमें से एक काशी को या बनारस को माना गया। तो ये चीज तो एकदम स्वाभाविक है कि बुद्ध जैसा बड़ा ज्ञानी कोई गांव में नहीं जाएगा, एक महाजनपद में जाएगा अपनी बात रखने के लिए, जैसे कि उसकी बात का प्रचार प्रसार और उसके साथ जो शास्त्रार्थ है वो एक अलग स्थिर पर, अलग लेवल पर हो। अगर वो गांव में जाएगा तो वहां पे जिस लेवल का शास्त्रार्थ होता है, जितना विभिन्नता वहां पे आती है शास्त्रार्थ में, उतनी विभिन्नता आएगी, हमेशा नए विचार आए। तुलसीदास जी अपने नए विचार लेकर के आए, मतलब हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज पूरे विश्व में अगर एक किताब है जिसे विश्व के सारे हिंदू एक किताब को मानेंगे तो वो किताब है मानस, तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण। वो मानस भी इसी धरती पर उसने अपना जन्म लिया। तो ये हमारा एक बहुत ही सुंदर सिचुएशन है, एक सुंदर
वो है कि बुद्ध, कबीर, रविदास, तुलसी, तो ये जो महाजनपद हम बुद्ध के समय से मानते आ रहे हैं, ये धार्मिक और दर्शन शास्त्र के लिए हमेशा से रहा है। हमारे पास कोई धरती पर बिल्डिंग्स नहीं होंगी इसको प्रूव करने के लिए, पर यहां से जो नई सोच निकली है वो इसका सबूत है। जो आप ये भी सोचिए कि यहाँ पर सुपार्श्वनाथ जी जैन तीर्थंकर, उनका भी ये स्थान है जो बुद्ध के पहले है। तो केवल बुद्ध ही नहीं है, बुद्ध के पहले सुपार्श्वनाथ जी जैन ट्रेडिशन अगर हम लेंगे तो वो भी बनारस में था। तो ये एक समावेश है, विचारधाराओं का समावेश। तो ये महाजनपद विचारधाराओं का महाजनपद है, ये बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स का महाजनपद नहीं। शहर में मिले पुरातात्विक साक्ष्य बनारस के सदियों पुराने इतिहास की पुष्टि करते हैं। एक बार पहले बनारस के पास अखत और रामनगर दोनों स्थानों पर जब खुदाई की गई, तो संकेत मिले कि यहाँ 1800 वर्ष ईसा पूर्व में भी बसाहट थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये शहर लगभग 800 ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक लगातार आबाद रहा था। ये प्राचीन उत्तरी मार्ग उत्तरापथ पर एक प्रसिद्ध पड़ाव था। इसकी वजह से 2500 साल पहले भी ये शहर व्यवसायिक गतिविधियों का एक केंद्र बन गया था। बनारस पर कुछ महान सम्राटों का शासन भी रहा। तीसरी सदी ईसा पूर्व में अशोक, चौथी और पांचवी शताब्दी में गुप्त और सातवीं शताब्दी के आसपास राजा हर्ष ने भी यहाँ शासन किया था। इनके शासनकाल में बनारस खूब फूला फला। सारनाथ में काफी आपको जो है एक्सकवेशंस मिलेंगे, जिसमें कि बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले काफी सारे राजा महाराजा यहाँ आए, अशोक आए, तो उन्होंने जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, क्योंकि बुद्ध का यहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। फिर वैसे गुप्ता पीरियड में शिल्प कला को बहुत प्रोत्साहन मिला, तो बनारस का जो चिजिल है, जो व्हाट इज नोन एज जो बनारस की जो हुनर है पत्थर संग तराशी की, वो हुनर को बहुत प्रोत्साहन मिला और उसके सबूत सारनाथ के साइट म्यूजियम पे देखने को मिल सकते हैं कि कितना सुंदर एक जैसे मथुरा स्कूल का स्कल्पचर है, उसके बराबर में एक बनारस स्कूल का स्कल्पचर का एक स्थान था। तो इससे हम लोग को धीरे धीरे कोई बहुत डेंस वो नहीं मिलता है, पर एक परंपरा मिलती है कि यहाँ पर एक दर्शन पे पढ़ने का वातावरण था और चीजें चलती रही हैं। फिजिकल एस्पेक्ट पे जो जमीनी तौर पर हमें बिल्डिंग्स नहीं मिलती हैं, हमें उसके सबूत कम मिलते हैं, क्योंकि शहर कई बार डिस्ट्रॉय हुआ है, कई बार इस पे जो आक्रमण हुआ कई बार डिस्ट्रॉय हुआ है। तो 12वीं शताब्दी में भी जब आक्रमण हुआ, पृथ्वीराज चौहान को जब हराया, उसके बाद इस शहर से 1400 ऊंट पे माल लूट के ले गए और शहर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फिर उसके बाद दोबारा बना। तो ऐसे करके शहर डिस्ट्रॉय भी होता गया और वापस बनता गया, क्योंकि उसका भूगोल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। गंगा का वो जो उत्तर वाहिनी बेंड था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। तो आपने बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करी पर लोगों की आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। इसीलिए कहा जाता है कि ये पूरे विश्व में सबसे पुराना शायद निरंतर जीवित एक शहर है। उसका कारण है गंगा का वो मोड़, मेरा मानना है। 11वीं और 12वीं सदी के बीच बनारस में उथल पुथल से भरा दौर रहा। 11वीं सदी में तुर्क शासक महमूद गजनी और 12वीं सदी में दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस पर हमले किए। इसी समय के बीच बनारस गढ़वाल राजवंश की राजधानी बन गया था, जिन्होंने 11वीं और 12वीं सदी के बीच वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों पर शासन किया था। लेकिन अराजकता और उथल पुथल के उस दौर के बाद भी शहर में मुगलों, खासकर मुगल बादशाह अकबर के समय में दोबारा जिंदगी लौटी। अकबर के शासनकाल में बनारस में कई मंदिरों और तालाबों का निर्माण कराया गया। आमेर के राजा मानसिंह
जो अकबर के एक खास जनरल थे, उन्होंने एक घाट और महल बनवाया था और उसे आज मान मंदिर घाट कहा जाता है। आप आज भी बनारस और उसकी कुछ इमारतों में मुगल दौर की झलक देख सकते हैं, लेकिन यह खुशहाली मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन के आने तक ही रही। एक बहुत बड़ा रिवाइवल बनारस का हुआ है जो मुगलों के शासन में हुआ, क्योंकि वहां पे एक कल्चरल रेनेसों आया, जैसे एक सांस्कृतिक लहर बुद्धिस्ट पीरियड में अशोका और गुप्ता मौर्यन संस्कृति में आई थी, उसके बाद अगली ये सांस्कृतिक लहर मुगलों के ज़माने में आई, जहाँ पे कि स्पेशली अकबर के ज़माने में, क्योंकि एक बड़ा स्पैन था जहाँ लड़ाई झगड़ा कम हो रहा था, डिस्ट्रक्शन कम हो रहा था और एक परंपरा को बहुत प्रोत्साहन दिया गया, शाही प्रोत्साहन भी मिला और शहरी तौर पर आम लोग भी उस प्रोत्साहन में भाग लिए। तो अगर आप ऐसे देखें तो एक काशी विश्वनाथ का एक जो अभी मंदिर है, इससे पुराना वाला मंदिर राजा तोडरमल का बनाया हुआ, वो उस समय में बनाया गया, क्योंकि उसके पहले जो मंदिर था वो सड़क के उस पार था जो डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उन्होंने वापस पूरा एक वास्तु कला को ले करके, एक ड्राइंग्स को ले करके उन्होंने दोबारा एक मंदिर स्थापित किया। और इसी बहाने मंदिर स्थापित हुआ और जो सांस्कृतिक और संस्कृत भाषा और वेद ये सब का जो एक अध्ययन था वो भी वापस चालू हुआ। तो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक रेनेसां जो है वो मुगलों के ज़माने में हुआ। फिर हम 1669 पे आ जाते हैं, तो 1669 में ज़माना तो मुगलों का ही है पर गद्दी नशीन हमारे औरंगजेब थे, तो कहा यह जाता है कि वो मुगल सराय नाम के गंगा के उस पार स्थान पर थे और उनकी पत्नियां बनारस शहर देखने आई थी, और ये इंसिडेंट शिवाजी जब उनके कब्जे से भागे थे उसके जस्ट बाद का इंसिडेंट है। तो शिवाजी जब भागे थे तो भी वो बनारस में आकर के शह लिए थे, क्योंकि ये मराठाओं के कंट्रोल में कॉन्स्टेंटली था, कल्चरली ये मराठाओं के कंट्रोल में था, तो वो यहाँ आकर के उन्होंने शह लिया था। तो वो शहर से नाराज थे पर शहर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, उसकी जो एक स्थान है उसको समझते हुए शहर के अंदर नहीं आए थे, वो बंगाल की तरफ जा रहे थे। और जब उनके परिवार के लोग बनारस में आए तो उनको तरह तरह के ताने सुनने पड़े, तो उन लोग वापस जा करके बादशाह को बताए। अब आप सोच सकती हैं कि बादशाह अगर 5-10 किलोमीटर दूर है और उसके परिवार को ताना सुनना पड़ेगा तो बादशाह फिर काबू में कैसे रहेगा। तो बादशाह ने वापस पूरी फौज मोड़ी, जबकि आगे बढ़ चुके थे, पूरी फौज को मोड़ा और शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो रफली 120 ईयर्स तक काशी विश्वनाथ का मंदिर एज सच था नहीं, यहाँ पर एक आत्मवीरेश्वर मंदिर है जिसको काशी विश्वनाथ के रूप में पूजा गया। क्या आप जानते हैं कि बनारस में 4 रानियों की भी विरासत है? रानी अहिल्याबाई, रानी भवानी और रानी बाईसाबाई ने अपने तरीके से शहर के विकास और पुनरुद्धार में योगदान दिया, शहर की इमारतों के लिए, शिक्षा के लिए और बहुत कुछ। इनमें से सबसे उत्कृष्ट थी रानी अहिल्याबाई। बाद में रानी अहिल्याबाई आई काशी और उन्होंने देखा कि काशी का वो रूप नहीं है जिस रूप के एक्सपेक्टेशन से, जिस रूप की महिमा सुन करके वो काशी आई थी, उसका कुछ नज़ारा उनको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये उनकी खासियत थी कि बजाय कि भाग जाने, मुंह मोड़ने के, उन्होंने कहा नज़ारा नहीं है तो हम लोग नज़ारा बनाएंगे। तो उन्होंने जो है पुराने ग्रंथों को, पुराने विद्वानों को एक जोड़ा, उनसे समझा और सबसे पहले विश्वनाथ जी की स्थापना दोबारा करी। फिर एक पंचकोशी यात्रा है जो बनारस के चारों तरफ जाती है, तो उसमें 108
शिवलिंग है उनकी यात्रा, तो ऐसे जितने मंदिर थे उनका सबका स्थापना उन्होंने किया। बोले कि मंदिर से ही वो जो इत्मीनान और वो जो एक माहौल बन रहा था बनारस में कि यहाँ पे भगवान विश्वनाथ हमारे साथ हैं, जो हमारे अगले कदम के लिए हमारे सहयोगी होंगे जब हम जा रहे हैं, उसको वापस एस्टेब्लिश किया। उनके साथ साथ एक कल्चरल रेनेसां और हुआ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। उसी समय में रानी भवानी, जो आज भवानी एस्टेट बांग्लादेश में है, वहां की रानी आई और उन्होंने भी वही एहसास किया जो अहिल्याबाई जी ने एहसास किया कि यहाँ पर इतना हमने सुना है कि पांडित्य परंपरा है, अध्ययन होता है यहाँ पे दर्शन का, शास्त्रों का, पर दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने गंगा में स्नान करके प्रण किया कि मैं हर दिन गंगा में स्नान करूंगी और एक संस्कृत भाषा की विद्यालय का नींव डालूंगी और उसको जो है दान में दूंगी। तो एक साल तक 365 करीब करीब संस्कृत विद्यालयों का नींव डाला उन्होंने और उसके लिए ग्रांट भी दिया, पैसे भी दिए, तो जगह जगह की खेती जमींदारी दिया जिससे कि उसका खर्चा चल सके। तो क्योंकि केवल मंदिर से कुछ होगा नहीं, क्योंकि वातावरण बनाने के लिए वो मंत्र उच्चारण भी चाहिए, वो एक रिलीजियस डिस्कोर्स भी चाहिए, वो धर्म पे चर्चा चाहिए। तो वो धर्म की चर्चा वापस शहर में होने लगी। तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय रानी भवानी को, अहिल्याबाई को, और उनके साथ दो और रानियां यहाँ पर आईं, एक बाईसाबाई, जिन्होंने उस समय में जितने बनारसी ठग, जो हमारे बनारस का एक इम्पॉर्टेंट अंग हैं, उनके ऊपर जितने केसेस चलते थे अंग्रेजों के, उनके खिलाफ वो फंड करती थी कि इनको कैसे बचाया जा सके। बनारस में रानी अहिल्याबाई के योगदान में सबसे महत्वपूर्ण था प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। लेकिन उन्होंने शहर में और भी कई ध्यान देने लायक बदलाव किए। अहिल्याबाई ने कई मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण किया और घाटों का पुनर्निर्माण किया। आज बनारस के कई घाटों में से एक का नाम उनके नाम पर रखा गया है, अहिल्याबाई घाट। जब घाटों की बात आती है तो वो शहर की जीवन संस्कृति में एक विशेष स्थान रखते हैं। क्या आप जानते हैं बनारस में लगभग 88 घाट हैं? वर्षों से ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रही है। इसका एक कारण है पुरानी कीवदंतियां और कहानियां। एक कीवदंती के अनुसार बनारस की कहानी दशाश्वमेध घाट से शुरू होती है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण भगवान शिव के स्वागत के लिए किया था। इतिहास कीवदंतियों और मिथकों में डूबी हर घाट की अपनी कहानी है। बनारस को हिंदू परंपरा में अंतिम संस्कार करने के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक भी माना जाता है। इसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। देखिए, बनारस शहर को महाशमशान माना गया है। अगर आप इत्मीनान से बनारस शहर को घूमेंगे, तो आपको पूरे शहर में जगह जगह सती स्टोन्स मिलेंगे। आज के समय में केवल 2 घाट पर शमशान घाट माना जाता है, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। पर इसके पहले पूरे शहर में शमशान होता था क्योंकि वहां पर सती स्टोन्स हैं। तो जहां सती स्टोन है वहां पे सती का एक राइट हुआ होगा। यहाँ के भूगोल, यहाँ के दर्शन, यहाँ के रहन सहन का अस्तित्व गंगा है। तो गंगा का किनारा उतना ही हमारे लिए जरूरी हो जाता है। बनारस एक स्पिरिचुअल डिप्लोमेटिक एन्क्लेव। यहाँ पे हमें इस धरती पर लोगों के साथ अपने तालमेल नहीं बनाना ठीक है, यहाँ पर हमें परमात्मा से अपना तालमेल ठीक बनाना है। तो जयपुर महाराज
मान सिंह ने अपना जो एक घाट बनाया जो मान मंदिर घाट के नाम से जाना जाता है। उनके वंशज वहां पर सवाई जय सिंह द सेकेंड, उन्होंने वहां पर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई। वैसे ही बगल में जाइए तो बूंदी परकोट घाट है, महाराज बूंदी ने अपना घाट बनाया है। इस तरफ आइए तो अहिल्याबाई का एक घाट है, उसके इधर आइए तो मुंशी घाट है, जो ग्वालियर एस्टेट के मुंशी थे उन्होंने अपना घाट बनाया है। तो जिस जिसने अपने घाट बनाए, जिसके पास सामर्थ था, वो गंगा के उतने किनारे जाता गया, जिसके पास सामर्थ कम था वो गंगा उसी घाट के पीछे में अपने आप को बसाता गया और गंगा से नजदीकी रखते हुए। इसीलिए वो बहुत डेंस एरिया है क्योंकि सब लोग गंगा से नजदीकी रखना चाहते हैं, मोक्ष गंगा देख। बनारस हमेशा से संस्कृतियों, दर्शन और विद्या को परवरिश देने वाला शहर रहा है। यहाँ तुलसीदास से लेकर कबीर तक कई महान विद्वान और संत रहे। कपड़ा, कला, साहित्य यानी हर चीज का इस शहर में एक विशेष स्थान था। बनारस के इतिहास में 18वीं और 19वीं शताब्दी एक बड़ा अध्याय रहा है, जब बनारस में एक रियासत का उदय हुआ। यहाँ काशी नरेश का शासन हो गया था और ये शाही परिवार आज भी शहर में रहता है। बनारस जो है, इस जो कल्चरल रेनेसों हुआ अहिल्याबाई इन लोग के समय पे, 200 साल का लास्ट 200 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, आज से 200 साल पीछे अगर हम जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक जो है एक नया रेनेसों हुआ। यहाँ पे एक नई ऊर्जा आई इस शहर में, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ था। हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य का एक बहुत बड़ा ये स्थान बना। उसमें भी तरह तरह के पेट्रनेज मिले हम लोग को। एक बहुत बड़ा पेट्रनेज हम लोग को बनारस शहर को, यहाँ के जो नया एक किंगडम है बनारस का, जो अभी हमारा जो शाही परिवार है या राज परिवार बनारस का है, जिसके अभी हमारे कस्टोडियन और महाराज हमारे अनंत नारायण सिंह जी हैं, उनके फोर फादर्स ने एक कल्चरल रेनेसों में पार्टिसिपेट किया और एक पेटर्नेज दिया। तो वो जाता है करीब 300 साल पहले आज से। तो मनसाराम जी ने अपने बेटे, यहाँ हम लोग अवध के अंदर में आते थे, मनसाराम जी ने अपने बेटे को गद्दी दिलवाई बलवंत सिंह जी को, और बलवंत सिंह जी, महाराजा बलवंत सिंह जी से सिलसिला शुरू होता है और आज हमारे महाराज अनंत नारायण सिंह जी उसमें। तो इस परंपरा में दो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट नाम जिन्होंने, जिनका योगदान इस शहर के इस सांस्कृतिक, इस बौद्धिक सेंटर को एनकरेज करने में बहुत बड़ा योगदान था। उसमें से एक आता है ईश्वरी नारायण सिंह जी, उसके बाद उनके बेटे प्रभु नारायण सिंह जी। तो उस समय में रामनगर में जो नदी के उस पार है, एक रामलीला का प्रचलन चला, जो एक अपने में ही सांस्कृतिक धरोहर है इस देश की। ये 30 दिन तक रामलीला चलती है और हर दिन वेन्यू चेंज करती है। रफली 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये रामलीला होती है। हर अगर रामलीला में ये लिखा हुआ है कि राम जी इस पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उस स्थान पर वो पेड़ भी लगाया गया है, फिजिकली वो पेड़ आपको दिखेगा। उन्होंने कहा अशोक वाटिका में सीता जी हैं, तो आप अशोक वाटिका में जाएंगे, आज के दिन भी तो अशोक के पेड़ लगे हुए हैं। अगर राम जी ने कोई नदी क्रॉस करी है तो एक्चुअली एक वाटर बॉडी बनाई गई जिसको राम जी क्रॉस करते थे, या रावण ने जो भी किया है, पूरे उसका जो एक थिएटर का एक ऐसा रूप दिया कि जो उस दर्शक है वो उसका ही एक अभिन्न अंग बन जाए, वो ऐसा एक माहौल बने कि वो उस पूरे शास्त्र का अनुभव कर सके, उसका हिस्सा बनेगा तो एक संपूर्ण अनुभव होगा।
तो ये इस तरह की एक पद्धति, और उसमें प्रभु नारायण सिंह जी ने, महाराज प्रभु नारायण सिंह जी ने, हिंदी के इतने विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उनसे कहा कि आप इसके स्क्रिप्ट लिखिए। तो उसकी स्क्रिप्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लिखी हुई है। तो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी, जो जिसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी कहते हैं, तो अगर उसने एक ऐसे लीला का पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग किया है, और वो स्क्रिप्ट आज भी वही वैसे ही चलती आ रही है, तो ये इस धरोहर को संभालने में, बचाने में बनारस के राज परिवार का बहुत बड़ा योगदान। फिर आप देखें तो क्योंकि ये माहौल इतना अच्छा था कि यहाँ पर रामानंद जैसे गुरु हुए, जिनके शिष्य अगर हम ऐसे देखें तो एक शिष्य है कबीरदास जी और दूसरे शिष्य हैं रविदास जी, और ये दोनों अपने में संपूर्ण भारत के दर्शन को समा सकते हैं। तो ये यहाँ का एक एक्सपेंसिव, एक क्या कहा जाएगा, जो एक आत्मा को जो है परमात्मा से मिलाने वाला एक इस तरह का जो है एक माहौल था। आप दोनों अगर दो रामानंद जी के दोनों शिष्यों को देखें तो एक हिंदू परिवार में जन्मे, मुसलमानों के बीच में पले बड़े हुए, दूसरे एक जो समाज दबाया जाता हो उस समाज में पैदा हुए हुए, और दोनों बनारस के नूर, बनारस के ताज, बनारस के ही नहीं भारतीय दर्शन के ताज। तो उसके लिए एक शहर में ऐसा वातावरण होना होगा जो आपको जज नहीं करता, जो आपको जो है किसी क्या कहा जाए, किसी आपको जो है नापतौल आपके साथ नहीं करता है कि आप कहाँ पैदा हुए, क्या है, वो सबको एक समान एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये वातावरण था 16th century, 17th century में, जो अभी भी टू अ लार्ज एक्सटेंट कहीं ना कहीं परकुलेट किया। तो वातावरण कभी खत्म नहीं हुआ, शहर कई बार डिस्ट्रॉय हुआ, उसकी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई, उसने अपना रूप बदला, पर ये जो इत्मीनान का वातावरण था ये नहीं बदला। जैसे यहाँ की आप कला भी देख लीजिए, तो हम लोग कुछ उगाते नहीं है, हम लोग सिल्क का वर्म भी नहीं उगाते, पर सिल्क की साख बनारस के सिल्क से होती, पान हम लोग नहीं उगाते, मगही पान बिहार में बन के आता है, पर जब बनारस आता है और बनारस के इत्मीनान का हाथ लगता है तो मगही पान अपनी परवान चढ़ता। तो लोग कहते हैं बनारसी मगही चाहिए, बिहार का मगही नहीं चाहिए। अब आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा मगही पान को लेकर के, क्योंकि ये सबसे सिंपल चीज है, एक पत्ती है, पर उस पत्ती में कितना हम लोगों ने केयर, कितना इत्मीनान डाल दिया कि मगही पान को यहाँ पे बैठा दिया। अब इसी रूपरेखा में ये एक सेंटर फॉर लर्निंग बन गया मॉडर्न एजुकेशन का। आज से अगर 100 साल पहले देखा जाए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, फिर इंडिपेंडेंस के बाद तिब्बतन यूनिवर्सिटी, तिब्बती संस्थान जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ। तो ऐसे करके, क्योंकि ये इत्मीनान था, रश में कोई नहीं था, भागदौड़ में, इत्मीनान में पढ़ाई होती है दर्शन की, भागदौड़ में तो डिग्री मिल सकती है। तो ये इत्मीनान बरकरार रखने का जो प्रयास है ये बहुत जरूरी है। अगर हम इस शहर को समझें और इस इत्मीनान को सजोएं तो हम इस शहर की अस्तित्व को बचा सकें। बिल्डिंग से शहर का अस्तित्व नहीं है, बिल्डिंग हर 200 साल पे वो मटेरियल का एक वो है कि मटेरियल सड़ता है, खराब होता है, बदलता है, इंसान का भी ये शरीर बदलता जाता है, जीने मरने की यही चक्र है जिससे इस बनारस आपको मोक्ष देता है। तो उसका हमको चिंता ज्यादा नहीं होनी चाहिए, खासकर तौर पे जब बनारस में आ जाए, बनारस में इत्मीनान से एक अंतर्गृह यात्रा करें, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे इंट्रोस्पेक्टिव। तो ये इट्स अ सिटी दैट इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन,
तो उसको जो है उस तरह से लेने पर इस शहर का अस्तित्व बचा रहेगा, वरना हम कोई एक वाणिज्य का सेंटर बन जाएंगे, कॉमर्स का सेंटर बन जाएंगे, और जो इसका अस्तित्व जो पिछले 3,000-4,000 साल से बचा हुआ है वो अस्तित्व खत्म होता नजर आएगा। उसके पहलू हमेशा बदलते रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एक बुद्ध के जमाने से आज के जमाने तक, पर अस्तित्व उसका वही रहा है। इंक्वायरी, एक खोज, हम अपने अंदर की खोज करने आए हैं, हम दुनिया की खोज करने आए हैं, हम दुनिया के अलग अलग पहलुओं की खोज करने आए हैं। तो फिर जब दर्शन की बात होगी तो इसमें जो है एस्ट्रोलॉजी की भी बात होगी, एस्ट्रोनॉमी की भी बात होगी, ज्योतिष की भी बात होगी, ये सब दर्शन से आयुर्वेद की भी बात होगी। हम अपने शरीर के बारे में भी खोजेंगे और हम अपने आत्मा के बारे में भी खोजेंगे और हम परमात्मा के बारे में भी खोजेंगे। इसके स्तंभ पे ये शहर बसा है, और प्रयास मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि कैसे हम इस स्तंभ से जुड़े बजाय स्तंभ को ढीला करें, क्योंकि ये स्तंभ बहुत कम शहर, दुनिया के बहुत कम शहरों में आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस शहर का स्तंभ दर्शन पे बसा, फिलॉसफी पे बचा बसा है, आत्मचिंतन पे बसा है। ठीक है, गंगा थी तो हमारा वहां पे ट्रांसपोर्ट भी होता था, ट्रांसपोर्ट होता था तो उसके टैक्सेस भी कलेक्ट होते थे, पर वो परम उद्देश्य नहीं था बनारस में रहने का। इसीलिए ये कभी रजवाड़ा बहुत बड़ा रजवाड़ा नहीं हुआ जैसे राजस्थान के हैं या ग्वालियर है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स कलेक्शन वाज नॉट, वो हमारा एम नहीं था। हमारा एम था कैसे इस आत्मा और शरीर की जो ये यात्रा है ये आगे कैसे बढ़ाई जा सके। बनारस बनारस है, इसको एहसास करना है, इसलिए बनारस आना है। बनारस जैसे खास शहर गिनती के ही हैं। ये एक कलातीत शहर है जहां इतिहास की परतों और परंपराओं को देखा जा सकता है, जिनका सिलसिला आज भी जारी है।